नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आसमां से ऊंचा कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं, यूं तो मुझको सभी प्यारे हैं पर आपसे प्यारा कोई नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल तुझे, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। अगर आप किसी भी चीज को दिल से चाहते हो, आपके मन में इच्छा है उसको पाने की, तो याद रखो पूरी कुदरत लग जाती है उसे आपसे मिलाने के लिए। आप हार मत मानो, बस जीतने का सपना देखो। कोई साथ दे ना दे तो चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तो चलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से तुझे मंजिल की तरफ, हर मुश्किल का सामना तो करना सीख ले। आप सभी को अपनी प्रॉब्लम के साथ लड़ना चाहिए, ना कि डर कर भागना चाहिए। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम नहीं होगा। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीरों को मत देख, इन लकीरों से बहुत आगे जाना है तुम्हें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है लकी जो कलर बन रहा है वो आज ऑरेंज यानी की सेंचुरी बन रहा है। आज आपके लिए जो है लकी नंबर रहने वाला है नंबर 8। आज सितारे कहते हैं कि परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके साथ झगड़ा हो सकता है। किसी भी बात को अपने मन के हिसाब से करने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करें। दूसरों की उलझन सुलझाने की कोशिश आपका नाम खराब कर सकती है, इसलिए किसी की लड़ाई में अपना योगदान मत दीजिएगा। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, आप बस अपना काम में बिजी रहिएगा। इसलिए जब तक आपसे मदद ना मांगी जाए ना, आपको किसी के भी व्यवहार के प्रति दखलअंदाजी नहीं करनी है। जितना हो सके इन सब चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है, वरना आपका दिन खराब हो सकता है। साथ में यहाँ सितारे कहते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह का काम करने वाले हैं जिसका रिलेशन आपके घर के मेंबर्स के साथ है, तो आज थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आज जो है आपकी राशि के व्यक्तियों में आत्मबल और आत्मविश्वास की प्रबल भावनाएं बन रही हैं। सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। आज ग्रह गोचर बहुत ही बढ़िया बन रहा है इस चीज़ में। अपने संपर्क सूत्रों को और भी ज़्यादा मजबूत और बेटर बनाइएगा, क्योंकि ये जो आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। कभी कभी ज़्यादा या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको नुकसान तो सहना पड़ेगा ही, इस कमी पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कमी है जो कि किसी में नहीं होनी चाहिए। और आज आपको स्वार्थ भावना भी नहीं रखनी चाहिए। आपके मन में किसी भी तरह की स्वार्थ बना सकता है, तो आपको जो है इस चीज़ पर फोकस करना है आज के दिन। आलस को भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से कुछ उपलब्धियाँ हाथ से निकल सकती हैं। यानी कि आज कुछ आपको चीज़ों को बदलने वाला दिन है, कि आपको अपनी अंदर में से कमियों को निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है अगर आप सत्संग वगैरह सुनेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि सत्संग ही तो है जहाँ पर हमें अपनी कमियों के बारे में पता लगता है। और आप जो है कमियों को अगर जानेंगे तो उसको दूर करने में बहुत ही जल्दी आप प्रयत्न भी करेंगे। इसके साथ यह सितारे कहते हैं कि काम को गति से करते वक्त अपने काम के प्रति कुछ गलतियाँ ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई गलती कर दी तो इसका जो नुकसान है वो लंबे समय तक चलेगा। आज आपके उत्साह और गति के साथ अपना नेतृत्व कायम कराने में आप सफल रहेंगे। दूसरों की गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ना आज आपको सीखना होगा। अगर आप किसी को माफ़ करते हैं तो यकीन मानिए भगवान भी आपको माफ़ करते हैं। इसलिए माफ़ी देना बहुत बड़ी बात होती है, और ये जो अच्छी चीज़ है अपने अंदर ज़रूर रखिएगा। धर्म कर्म और समाज सेवा से रिलेटेड कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। सामाजिक तौर पर आज आपको मान सम्मान भी मिल सकता है। कोई बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। आज आपके घर में थोड़ा बहुत ही अच्छा वातावरण माहौल बन सकता है इस गुड न्यूज़ की वजह से। जो लोग एडल्ट्स हैं, युवा वर्ग के हैं, अपनी पढ़ाई और कैरियर के प्रति पूरी तरह गंभीर रहेंगे। कैरियर के प्रति आपका रुझान बहुत ही ज़्यादा फोकस रहेगा। आपको निश्चित ही 15 दिन के अंदर आपको बहुत ही अच्छी जॉब भी मिल सकती है।
लेकिन हाँ, सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। घर से रिलेटेड कुछ काम रुकने से तनाव उत्पन्न हो सकता है। हालांकि आप समस्या का समाधान ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि आप समाधान का सलूशन ढूंढने में काफ़ी सक्षम है और ये बात आपके लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। तो आज कार्यक्षेत्र पर कर्मचारियों और सहयोगियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उनकी किसी गलती की वजह से आपको पार्टी के सामने नीचा देखना पड़ सकता है। निवेश से रिलेटेड कार्य में भी कोई फैसला लेने से पहले उस पर सोच विचार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया और वो गलत हो गया, यानी कि गलत डिसीज़न हो गया आपका, तो आपका पैसा जो है वो फंस सकता है। इसलिए ज़रा सोच समझ कर ही इस डिसीज़न को लीजिएगा तो ही बेटर रहेगा। साथ में आज काम से जुड़ी समस्याओं का समाधान जो है निकल सकता है। आप काफ़ी हद तक जो है अपनी प्रॉब्लम्स को मात दे बैठेंगे, यानी कि जीत आपकी ही होगी। मार्केटिंग से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं, आज आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है मार्केटिंग में, लेकिन वर्कर्स की गतिविधियों को भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। उनकी वजह से काम में रुकावटें अगर आ रही हैं तो सोल्यूशन करना आपका काम है, आपका दायित्व, आपको बखूबी जानते हैं आप इसे। पेमेंट आदि इकट्ठी करने के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने किसी से पैसे पुराने वगैरह लेने थे, फंसा हुआ पैसा, तो आपको आज आपको मिल भी सकता है और आप पैसे बड़ी आसानी से निकलवा भी सकते हैं। साथ ही आज सहकर्मियों के साथ कई लोगों का वाद विवाद भी हो सकता है, तो मैं तो कहती हूँ कि वाद विवाद तो नहीं करना चाहिए, बस एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर टीम वर्क करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप एक साथ मिलकर काम करेंगे तो जल्दी ही सक्सेस आपको हासिल हो सकती है। तो ये थी हमने बात की आज के करियर की, यानी कि बिजनेस की। चलिए बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो आज की लव लाइफ कहती है कि आज आपकी कुछ बातों से पार्टनर जो है नाराज़ हो सकता है। अरे अपने पतिदेव को या पत्नी को प्लीज़ नाराज़ मत कीजिएगा, उनकी देख रेख कीजिए, उनकी बातों को ज़रा सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में। अविवाहितों के लिए विवाह से रिलेटेड कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। साथ ही में प्रेम संबंधों में भी पारिवारिक सहमति मिलने से विवाह में जो है परिणति होने के योग भी बने हुए हैं, यानी कि जिनका रिलेशन है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विवाहित जीवन जो है आज खुशनुमा रहेगा, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में गलत फहमियाँ उत्पन्न कई लोगों की हो सकती है, लेकिन अगर आप ज़रा ध्यान से सोचेंगे तो सब कुछ ठीक भी होता नज़र आएगा आपको। आज आपको कोई भी फैसला पार्टनर को कोई भी अगर फैसला लेंगे ऐसा वैसा, तो आप अपने पार्टनर को जो है आहित पहुंचा सकते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वही फैसला लीजिएगा जिसमें आपका जो पार्टनर है वो खुश रहे और आनंद में रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा, उनको आज ठेस मत पहुंचाइएगा। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ आपकी कहती है कि गर्मी और पसीने की वजह से एलर्जी हो सकती है, किसी प्रकार की शरीर में कहीं दाने वगैरह हो सकते हैं। आज शरीर में उत्साह बना रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी पूरे दिन में। अपनी दिनचर्या और खान पान को संयमित रहेगा, प्रॉपर डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, गैस और एसिडिटी वाले चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड करना सीखिएगा। साथ में आज कई लोगों को छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो ध्यानपूर्वक जो है आप चलिए और व्हीकल भी ध्यानपूर्वक ही चलाइएगा। तो चलिए बात करते हैं अंत में आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, या फिर आप रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं, बहुत ही हद तक फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ ही आज जो है अगर आप भगवान राम की पूजा करते हैं तो बहुत ही सुखद परिणाम मिलेंगे, आपके कष्टों का अंत भी होता नज़र आएगा आपको। और हाँ, अगर आपके घर में कोई रामायण वगैरह है या धार्मिक पुस्तकें हैं तो आपको जो है उन पुस्तकों को लाल या पीले वस्त्र में ढककर रखना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।